नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, सबकी झोली खुशियों से भरी रहे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं एक और वशीकरण की विधि आपसे साझा करने के लिए। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र के रत्न जरकन यानी अमेरिकन डायमंड से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि किस प्रकार से होगा शुक्र के उपरतन जरकन यानी अमेरिकन डायमंड। ये अमेरिकन डायमंड है, इससे किस प्रकार से होगा वशीकरण। चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई विधियां है। ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इन विधियों का प्रयोग आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या अपने प्रेम को बहुत ही आसानी से वशीकरण के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। पर ध्यान रखना, किसी भी गलत काम के लिए इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और मित्रों, एक सावधानी आपको और बता दें कि ये काम है तंत्र विद्या का, इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कत हो सकती है। खुद करें, स्वयं करें। जब तक आप स्वयं नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। खुद के जीवन में खुशियां लाने के लिए अपन 10-15 मिनट का समय निकाल ही सकते हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं इसकी सामग्री की। तो सामग्री आपके सामने है। आपको लेने हैं थोड़े चावल के दाने, एक आपको लाना है जरकन, इसको अमेरिकन डायमंड भी बोला जाता है। किसी भी सुनार की दुकान पे या रत्न बेचने वालों के पास आपको ये ज्यादा से ज्यादा 150 या 200 रुपए में आपको मिल जाएगा। शुक्र का उपरतन होता है, हीरा हीरे के उपरतन के तौर पर इसको जाना जाता है। ये आपको लाना है, इसको जरकन बोला जाता है आम भाषा में। एक लेना है आपको लाल कपड़ा, छोटा लाल कपड़ा ले लेना इस साइज का कि आपके जेब में रखा जा सके, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है। ये है सामग्री। अब आप बात करते हैं इसके समय की। तो समय रहेगा इसका शुक्रवार या सोमवार। सिर्फ ये दो ही दिन, दो ही वार को अपन ये विधि कर सकते हैं, या तो सोमवार को होगी या शुक्रवार को होगी। इसके अलावा किसी भी वार को ये काम नहीं करना है। जब भी ये काम करें तो दिन का समय होना चाहिए संध्या काल से पहले, सूर्य अस्त के पहले पहले आप इसको कभी भी कर सकते हो। और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको ये पूरी विधि करनी है। कपड़ा बिछाकर बैठिएगा। हर विधि में, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, कपड़ा बिछाकर आसन पर बैठना बहुत जरूरी है। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से इसका कोई मतलब नहीं है। शुक्रवार और सोमवार के दिन कभी भी किसी भी महीने के किसी भी पक्ष के सोमवार और शुक्रवार के दिन ये हो सकता है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि किस प्रकार से होगी ये वशीकरण की विधि। इसमें अपन शुक्र, जो प्यार के ग्रह के रूप में माना जाता है, प्रेम के प्रतीक के रूप में यह ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह, जिन भी व्यक्तियों का, जिन भी जातकों का शुक्र बलवान होता है उनको कभी भी प्रेम संबंधों की कमी नहीं रहती है। प्रेम संबंधों में उन्हें हमेशा ही सफलता हासिल होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग इन चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं देते, किसी की तरफ देखते तक नहीं, उनके पीछे भी लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनका शुक्र बलवान होता है। शुक्र ग्रह आकर्षण का और लग्जरी का प्रतीक होता है। लग्जरी जिंदगी जीने के लिए शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपके जीवन में रहता है। अब किस प्रकार से होगा काम वो देखिए। आपको सबसे पहले हीरे के उपरत्न जरकन को लाना है मार्केट से, और ये ध्यान रखना ये खंडित नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना, इसमें कोई दरार या कोई टूटा फूटा ये आपको नहीं लाना है। अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आपको इसे खरीदना है। और सोमवार या शुक्रवार के दिन के समय ये काम होगा। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने को लाल कपड़े में, कपड़ा उतना ही बड़ा लेना जितना आपकी जेब में रखा जा सके, ज्यादा बड़ा इसको नहीं लेना है।
आपको ये बीचो बीच जरकन रतन शुक्र का रतन रख देना है। थोड़े से लेने हैं चावल के दाने, ज्यादा मत लेना, बस थोड़े से ले लेना, और इसकी कोई मात्रा नहीं है, अपने अनुसार आप इसे ले सकते हो। फिर उसके बाद अच्छे तरीके से आपको इसे बांधना है। ध्यान रखें चावल के दाने भी नहीं गिरने चाहिए और जो स्टोन है वो भी नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके समझाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अच्छी तरीके से आपको दो गांठे बांध के इन्हें पैक करना है। अब ये सामग्री अपन ने तैयार कर ली, इसका काम खत्म हो गया। ये सामग्री अपन ने तैयार की है, इसमें है एक तो जरकन रतन शुक्र का रतन और एक है थोड़े से चावल के दाने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें हमेशा की तरह अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए आप इसे सीधे हाथ में लोगे। सीधे हाथ में लेने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, पर ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें अपन ने किसी की भी फोटो नहीं ली, किसी की भी पिक्चर नहीं ली, तो जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका चेहरा आपको अंतर ध्यान रखना है। उसका चेहरा अपने मन में आपको अपने सामने स्मरणीय करना है, उसके चेहरे को देखना है, देखने की कोशिश करनी है, उसका चेहरा अपने अंतर्मन में बनाना है। अपनी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ पूरे लगन के साथ आंखें बंद करके काउंटिंग आप अपनी उंगलियों पे कर सकते हो या लिख कर सकते हो, पर काउंटिंग करते समय आपको उसका चेहरा अपने अंतर्मन में अंतर ध्यान करना है। जितना श्रद्धा से जितनी लगन से आप ये काम करोगे उतना ही ये असरदार होगा। मंत्र ध्यान से सुनिए, इसको सीधे हाथ में आपको लेना है, खुद भी आसन पर बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप मंत्र बोलोगे, ओम सुम शुक्राय नमः नाम वशमान स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, सबसे पहले आपको शुक्र ग्रह का मंत्र बोलना है जो अपने शास्त्रों में वर्णित है, ओम सुम शुक्राय नमः। पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ओम सुम शुक्राय नमः, फिर उसका नाम लेना है जिसका वशीकरण कर रहे हो, जिसका चेहरा आप अंतर ध्यान कर रहे हो, उसका नाम आपको लेना है और बोलना है वशमान स्वाहा। ओम सुम शुक्राय नमः नाम वशमान स्वाहा, ओम सुम शुक्राय नमः नाम वशमान स्वाहा। आंखें बंद अंतर ध्यान उसका चेहरा करिए, जितनी श्रद्धा से करोगे उतना असरकारक ये काम होगा। बहुत ही तीव्र वशीकरण है ये, जो शुक्र का रतन अपन ने बांधा है ये है आकर्षण के लिए, उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो रह नहीं पाएगा, आपके तरफ उसको आना ही पड़ेगा। आपको ये मंत्र बोलना है, सुबह मंत्र बोलने के बाद आपको रात में मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, संध्या काल के पहले एक बार मंत्र बोलना है 108 बार जो मैंने बताया है, उसके पश्चात संध्या काल के बाद रात्रि में एक बार दोबारा से फिर आपको ये मंत्र बोलना है। ध्यान रखिए, जैसे आपने सोमवार को यह काम शुरू किया तो सोमवार को आप सुबह ये सब बांध के और उसी समय मंत्र बोलोगे, ओम सुम शुक्राय नमः नाम वशमान स्वाहा। उसके बाद आपने 108 बार मंत्र बोल के श्रद्धा से ये काम करके इसको अपनी जेब में रख लेना है, यह आपकी जेब में ही रहेगा, आपसे आपके शरीर के संपर्क में रहना चाहिए। ध्यान रखना इसके परहेज भी है, आपको मांस मदिरा का सेवन पूरी तरीके से त्यागना पड़ेगा। आप जब वॉशरूम जाओ तो आपको इसको रखकर जाना पड़ेगा किसी सही जगह, और फिर अच्छे से हाथ मुंह पोंछने के बाद आप इसे वापस अपनी जेब में रखिए। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा का, और जब आप वॉशरूम जाओ तब आपको इसे कहीं ना अच्छी जगह पर आपको रखकर इसे जाना पड़ेगा, और फिर अच्छे से हाथ मुंह धोके आप इसे वापस अपनी जेब में रख सकते हो। सुबह आपने मंत्र बोल लिया, उसके बाद आपको रात को भी मंत्र करना है। रात को कपड़े पर बैठ जाए, किसी आसन पर बैठ जाए और यही मंत्र आपको बोलना है, ओम सुम शुक्राय नमः नाम वशमान स्वाहा। ये उपाय आपको अगले 17 दिनों तक करना है। ध्यान रखिए, ज्यादातर उपाय हम आपको 21 दिन के या 11 दिनों के बताते हैं, ये उपाय आपको 17 दिनों तक करना है। 17 दिनों के अंदर अंदर जिस भी व्यक्ति के लिए, जिस भी मनुष्य के लिए आप ये काम कर रहे हो, वो पूरी तरीके से आपके आकर्षण में आ जाएगा, खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चलाएगा। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि जो इंसान मुझसे इतना दूर रहता था, जो इंसान मेरे से बातचीत तक नहीं करता था, वो इंसान मेरे करीब आ रहा है और धीरे धीरे उसके मन में भी मेरे लिए प्यार जग रहा है, भावना जग रही है। तो ये उपाय आपको पूरी श्रद्धा से करना है, पूरा आप इस काम में सफल होगे।
क्योंकि ये जो शुक्र का उपरतन है इसको आप अभिमंत्रित कर रहे हो, साथ में आप वशीकरण का काम कर रहे हो, तो इसमें ज्योतिष और तांत्रिक विद्या दोनों सम्मिलित होकर ये काम होता है। और ध्यान रखिए मित्रों, ये आपको स्वयं करना है, खुद करिए, खुद करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, माता रानी आपको सफल करेगी, 17वें दिन तक आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और अनगिनत उपाय के बाद भी आप उसका समाधान नहीं खोज पा रहे हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, हम आपकी हर समस्या को खत्म करेंगे, उसका हल आपको बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।